प्यारे बच्चों आपका बहुत स्वागत है री क्लासेस फिरोजाबाद में। हमारा चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हमारा टॉपिक है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी टॉपिक बच्चों बेहद कठिन है और आपने ध्यान चूका तो दिमाग से हट जाएगा ये। बहुत होशियार बच्चों को भी दो दो तीन तीन बार समझाने पर भी समझ में नहीं आता है, इसलिए आप ध्यान से समझें, नहीं तो फिर नॉर्मेलिटी आपको कभी भी क्लियर नहीं होगा। क्या है नॉर्मेलिटी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ? कितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं किसके? सॉल्यूट के, जबकि सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर है। तो नॉर्मेलिटी का मतलब है कितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट, कितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट घुला हुआ है 1 लीटर सॉल्यूशन में। सॉल्यूट वो जो घुला जाए, सॉल्वेंट वो जिसमें घुला जाए, सॉल्यूशन उन दोनों को मिलाकर बनता है। जैसे आपने चीनी को पानी में घोलकर मीठा पानी बनाया, तो चीनी सॉल्यूट, पानी सॉल्वेंट और मीठा पानी सॉल्यूशन। तो यहां से बना नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है, क्या चीज बोलो? ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं जो, है ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? अगर आप मास में या वेट में, वेट में इक्विवेलेंट वेट का डिवाइड दे दें, किसका? वेट में इक्विवेलेंट वेट का डिवाइड दे दें तो ग्राम इक्विवेलेंट बनते हैं। रिपीट, ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो अगर कोई पर्सन वेट में इक्विवेलेंट वेट का डिवाइड दे तो क्या बनता है? ग्राम इक्विवेलेंट। तो देखो जरा, ग्राम इक्विवेलेंट को हटाएंगे तो और क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट भी ग्राम में लेना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट भी किसमें लेना है? ग्राम में। इनटू क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हटाकर क्या आ गया? वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखा? वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट। क्या नोट कर लिया? अब जो वेट होता है सॉल्यूट का, उसका सिंबल है डब्ल्यू बी। इक्विवेलेंट वेट का सिंबल क्या है? ई बी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का सिंबल वी एस। किसमें लेना है? लीटर में। किसमें लेना है? लीटर में। लीटर की अगर एमएल बनाओगे तो 1000 का मल्टीप्लाई आ जाएगा, कितने का? 1000 का। तो डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन ई बी इंटू वी एस। ये फॉर्मूला आ गया नॉर्मेलिटी का टोटल। किसका फॉर्मूला आ गया? नॉर्मेलिटी का। अब इसे ऊपर अच्छे से नोट कर लेते हैं इस जगह को मिटाकर। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है अपन पे? नॉर्मेलिटी इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 ओवर ई बी इंटू वी एस। प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ, डब्ल्यू बी क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक। वी एस क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन SOLN लिख दिया इन ML। इन क्या? ML। अमन में एक बात रह गई सर, एक चीज ई बी और रह गई है। ई बी क्या है?
ईवी बताने से पहले आप ये नोट कर लें क्योंकि जगह पूरी कंप्लीट हो रही है। तो नॉर्मेलिटी क्या है? नॉर्मेलिटी है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर में घुले हैं वो है नॉर्मेलिटी। और ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब है मास ओवर इक्विवेलेंट मास। अब यहां पर जो भी बच्चा मास ओवर इक्विवेलेंट मास सुनता है वो कहेगा सर इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मुझे यही नहीं मालूम है। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको इक्विवेलेंट मास नहीं मालूम होगा तब तक आप ईवी की वैल्यू नहीं लगाओगे, और जब तक ईवी की वैल्यू नहीं लगाना सीखोगे तब तक नॉर्मेलिटी पल्ले पड़ेगी ही नहीं। तो ईवी का मतलब है इक्विवेलेंट मास। तो अब उसकी डिटेल हमें करनी पड़ेगी। तो देखो बेटा इसको मिटाने से पहले डेफिनेशन मिटा रहे हैं जरा देखो, जिससे जगह बन जाए। यहां पर ईवी क्या है? आंसर इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट ये भी किसमें लेना है? ग्राम्स में। तो ध्यान रखो डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ईवी इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, या इक्विवेलेंट मास की जगह इक्विवेलेंट वेट भी लिख सकते हो। केमिस्ट्री में मास वेट दोनों वर्ड एक साथ ही यूज किए जाते हैं, है ना? बात समझ में आ रही है ना? दोनों इक्विवेलेंट माने जाते हैं। तो ईवी की जगह इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट और वीएस की जगह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल। अब इसकी यूनिट क्या है नॉर्मेलिटी की? इसकी यूनिट होती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसकी क्या है? यूनिट। अब जो भी एक होशियार बच्चा इस पूरे को देख रहा होगा वीडियो को, वो तुरंत एक क्वेश्चन कहेगा सर नॉर्मेलिटी का मतलब ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, ठीक। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट, ठीक। सर इक्विवेलेंट मुझे वेट समझ में नहीं आया। तो अब हमारा पूरा फोकस नॉर्मेलिटी को समझाने के लिए किस पे जाएगा? इक्विवेलेंट वेट पे। अगर मैं आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखा पाया तो इसका मतलब है आपको ईवी निकालना आ गया, इक्विवेलेंट वेट ईवी है। अगर ईवी निकालना आ गया आपको फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉर्मेलिटी निकालनी आ गई। तो अब हमारा ध्यान किस पे जाएगा? इक्विवेलेंट वेट निकालने पर। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें? तो इसको हटा रहे हैं, देखो नोट कर लो सारा, ओके है। अब चलते हैं इक्विवेलेंट वेट पर। देखो बेटा समझना, इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, है ना? इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? देखो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको कई बातें समझनी पड़ेंगी। इक्विवेलेंट वेट किसका निकालना है? एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट का, एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट का, बहुत टाइप के केस होते हैं, है ना? आपके कोर्स में अभी 3 केस ही है, एसिड, बेस और सॉल्ट। कौन कौन से? एसिड, बेस और सॉल्ट का निकालना इक्विवेलेंट वेट, है ना? तो अभी पहले मैं करूंगा एसिड का। मैंने एसिड लिया कोई, ये उसका मॉलिकुलर मास एसिड का, उसको लिखेंगे एमवी से, और ये उसका इक्विवेलेंट मास यानी ईवी। मान लो आपने एसिड लिया, आपने लिया एचसीएल, एक और लिया H2SO4, है ना, एक लिया आपने H3PO4, एक आपने लिया ऑक्सैलिक एसिड, ये ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक। बात समझ में आई है नहीं आई? अब इसमें क्या फॉर्मूला होता है? इनका मॉलिकुलर मास निकालो। क्या निकालो? मॉलिकुलर मास। तो HCl का मॉलिकुलर मास H का 1, Cl का 35.5, टोटल 36.5, 2H का 2, सल्फर का 32, 4O का 64, सबको ऐड करेंगे 98। यहां पे H3PO4 का निकालो, 3H का 3, P का 31, 4O का 64, सबका सम कर लो 98। P की वैल्यू 31 है, P की वैल्यू कितनी रखी है मैंने? 31, है ना। Cl की वैल्यू 35.5, सल्फर की वैल्यू 32, इससे ही आंसर निकल लें। ऐसे यहां पे आप सॉल्व कर लें, आंसर आएगा आपका 120।
कितना आएगा 120, दो कार्बन का, एक कार्बन का 12 बार है, दो कार्बन का 24, चार ऑक्सीजन का 64, इनका दो, एक पानी का 18, दो पानी का 36, सॉल्व कर लो 120 आएगा। अब जरा देखो इसमें एच कितने हैं, एक, इसमें दो, इसमें तीन, इसमें एच कितने हैं, चार और दो छह, लेकिन पानी वाले एच आपके काम में नहीं आएंगे। कौन से काम में आएंगे, ये वाले। तो इसमें एच दो है, इसमें तीन, इसमें दो, इसमें एक, पानी वाले एच काउंटिंग में नहीं आते, उनका डिवाइड लगाओ, उनका क्या लगाओ, डिवाइड, है ना। तो यहां पे फॉर्मूला होता है एसिड के केस में ईबी इक्वल टू, बोलो क्या फॉर्मूला होता है, ईबी इक्वल टू एमबी मॉलिकुलर मास ओवर बेसिसिटी। कहोगे बेसिसिटी, हां एसिड की बेसिसिटी होती है, बेस की एसिडिटी होती है। दोबारा सुने, एसिड की बेसिसिटी होती है, बेस की एसिडिटी होती है। तो चलो भाई, मॉलिकुलर मास 36.5, एच कितना है, एक, तो इक्विवेलेंट मास हो गया 36.5। मॉलिकुलर मास 98, एच कितने हैं, दो, तो इक्विवेलेंट मास 49। मॉलिकुलर मास 98, एच कितने हैं, तीन, तीन का डिवाइड लगा दो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 32.66। 120, एच कितने हैं, छ, चार और दो छ, लेकिन ये एच काउंटिंग में आएंगे, पानी वाले एच काउंटिंग में नहीं आते हैं। तो डिवाइड दो का लगेगा, छह का नहीं, पानी वाले एच काउंटिंग में नहीं आएंगे, ये दोनों आएंगे। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो गया, 60। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको इक्विवेलेंट मास या वेट निकालना सिखाया, किसके केस में, आंसर एसिड्स के केस में। इक्विवेलेंट वेट का सिंबल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट का सिंबल ईबी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट का सिंबल ईबी, और ये अभी हमने सीखा एसिड के केस में निकालना। एसिड के केस में इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए पहले उसका मॉलिकुलर मास निकाल लो और उसमें उसकी बेसिसिटी का डिवाइड लगा दो, है ना। यहां पे बेसिसिटी इसकी 1 है, इसकी बेसिसिटी 2 है, इसकी बेसिसिटी 3 है, इसकी बेसिसिटी 2 है, वो डिवाइड लगाए, इक्विवेलेंट मास निकल आए। सामने से हट गया हूं, ये आपको मैंने इक्विवेलेंट मास बोल लो या इक्विवेलेंट वेट बोल लो, ये इक्विवेलेंट वेट या मास या ईबी निकालना सिखाया इन केस ऑफ एसिड, ईबी निकालना सिखाया इन केस ऑफ एसिड। अब क्या कहोगे बोलो, सर आपने तो बोला था बेस में, हाँ बेस की बारी आएगी, ये हटा रहे हैं, अब आया बेस। अब अगर हम बेस की बात करें तो आप बेस ले लीजिए, बेस ले लिए, बेस में आपने लिया NaOH, है ना, KOH, CaOH होल ट्वाइस, AlOH होल थ्राइस। पहले इनके मॉलिकुलर मास निकालो, फिर इनका इक्विवेलेंट मास निकालो। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला बेस के लिए होगा मॉलिकुलर मास ओवर एसिडिटी। याद रखना, एसिड की बेसिसिटी और बेस की एसिडिटी, उल्टा होता है। अब NaOH, अब यहां पे नंबर आपको बता दे रहे हैं, करके देख लेना, Na का होता है 23, O का 16, H का 1, टोटल करके देख लो आंसर कितना आ जाएगा, 40। ऐसे ही आगे चलो, K का वैल्यू नोट कर लें, K की वैल्यू कितनी होती है, K की वैल्यू 39, तो 39, 16 और 1 कितना हो गया, 56। CA की वैल्यू 40 होती है, 40, तो CA 40 और ये हो गया 32, 34, दो और जुड़ गया, तो 40 और 34, 74। AL की होती है 27, तो 27 इसका 3 होगा, 48 हो गया, तो 27 प्लस 48 और 3H का 3 हो गया, 27 किसका है, एल्यूमिनियम का, 3H का 3 और 3 ऑक्सीजन का 48, 27 और 3 30,
30 और 48 78, तो ये हो गया आपका 78, ये वैल्यूज एन की। अब चलो OH ग्रुप कितना है, एक OH ग्रुप, एक यहां पर, दो यहां पर, तीन OH ग्रुप एक है, तो 40/1 आंसर 40 आ गया। OH ग्रुप एक है तो 56/1 56 आ गया। OH ग्रुप दो है तो 74/2 आंसर 37 आ गया। OH ग्रुप थ्री ने है थ्री तो 78/3 3×2=6 है ना, 1 बचा 18 हो गया, 3×6=18 26 आ गया। तो ये मैंने आपको बेस के केस में इक्विवेलेंट वेट निकालने सिखाए, कि किसके केस में, बेस के केस में। तो हमने इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखा एसिड के केस में और किसके केस में, बेस के केस में। तो आपको मैंने इक्विवेलेंट वेट निकालने सिखा दिए एसिड के केस में और बेस के केस में। आप कहोगे सर इक्विवेलेंट वेट और भी बताइए जरा और कैसे निकालते हैं, बेटा इक्विवेलेंट वेट निकालना एसिड के केस में, बेस के केस में, सॉल्ट के केस में आपके कोर्स में है ना, और बाकी चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इनके लिए आपके कोर्स में नहीं है। तो मैं तीन ही चीजों के इक्विवेलेंट वेट निकालने सिखाऊंगा, एसिड का सिखा दिया, बेस का सिखा दिया, अब बारी आएगी सॉल्ट की। अब सॉल्ट लो, तो ये हटा रहे हैं सॉल्ट के केस, देखो भाई सॉल्ट के केस में क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं सॉल्ट, यहां पे लिखते हैं फॉर्मूला मास, उसका वजन मतलब मॉलिकुलर मास ही समझ लो एक तरीके से, और यहां पे इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है फॉर्मूला मास एफ डॉट एम ओवर आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जैसे एग्जांपल मानो आपने मुझे सॉल्ट दिया CaCl2, ठीक, एक बंदे ने मुझे सॉल्ट दे दिया, मान CaCl2 पहले लेते हैं, NaCl लेते हैं, एक ने दिया CaCl2, एक ने दिया AlCl3, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, NaCl वैल्यू नोट कर लो, Na की 23, Cl की 35.5, Ca की 40, Al की 27, बोलो कितनी हो गई, 23 और 35.5 यानी 58.5 हो गई। सॉल्ट के केस में मॉलिकुलर मास को फॉर्मूला मास कहते हैं, रिपीट, सॉल्ट के केस में मॉलिकुलर मास को फॉर्मूला मास कहते हैं, सॉल्ट के केस में मॉलिकुलर मास को फॉर्मूला मास कहते हैं। अब चलो Ca 40 और इसको ऐड कर लो, कितना हो गया 71, 35.5 का डबल 71 और 40 कितना हो गया 111, ठीक। अब चलो Al का 27 और इसका हो गया 35.5×3 है ना, तो ये हो गया 127, तो यही रहा 90 और 105, 106.5 ये हो गया, ऐड कर लो भाई है ना 133.5 है ना, यही आ गया ना, ठीक 133.5। अब बताओ NaCl कैसे टूटेगा, NaCl कैसे टूटेगा बोलो जरा, NaCl टूटेगा Na प्लस Cl माइनस, तो प्लस चार्ज भी वन है और माइनस चार्ज भी वन ही है। CaCl2 कैसे टूटेगा, Ca+2 और 2Cl-1। AlCl3 कैसे टूटेगा, Al+3 और 3Cl-1 ऐसे टूटेगा। तो पहले केस में आओ, प्लस चार्ज कितना है 1 या माइनस चार्ज कितना है 1, दोनों चार्ज हमेशा बराबर होते हैं, तो यहां पे हो गया 58.5/1, तो यहां पे हो गया 58.5 ही आंसर। अब यहां पे आ जाओ, प्लस चार्ज कितना है 2, माइनस कितना है देखो -1×2 ये भी कितना है 2, तो प्लस चार्ज भी 2 है और माइनस भी 2 ही है, तो डिवाइड 2 का लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 111/2, डिवाइड लगा लो भाई, ठीक है ना, कितना हो गया 55.5 है ना, ओके रहा।
ऐसे यहां पे आ जाओ, देखो प्लस चार कितना है थ्री, माइनस देखो माइनस वन इंटू थ्री थ्री। हमेशा याद रखना प्लस और माइनस चार हमेशा बराबर होते हैं, प्लस और माइनस चार हमेशा बराबर होते हैं बच्चों। कौन बराबर होता है? प्लस और माइनस चार हमेशा इक्वल होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। प्लस और माइनस चार हमेशा बराबर होते हैं, ठीक। प्लस कैसे काउंट किया? एल प्लस थ्री है। माइनस कैसे किया? देखो माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री। प्लस कितना है? दो। माइनस कितना है? देखो दो, ठीक है कि नहीं। तो यहां पे लिखा है 133.5 डिवाइड बाय 3, डिवाइड दे लेना, जो आ जाएगा वो इसका इक्विलेंट मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्विलेंट मास या इक्विलेंट वेट। तो प्यारे बच्चों, अपन ने इस आर्टिकल में नोट कर लो, पहले हट गया हूं। प्यारे बच्चों, इस आर्टिकल में अपन ने क्या क्या सीखा, क्या सीखा मालूम है? पहले अपन ने सीखा कि भाई इक्विलेंट मास निकाले कैसे, एसिड के केस में निकालना सीखा है ना। एसिड में क्या करना है? मॉलिकुलर मास ओवर बेसिसिटी। फिर बेस में निकालना सीखा, बेस में क्या करना है? मॉलिकुलर मास ओवर एसिडिटी। याद रखना बेस में एसिडिटी है, एसिड में बेसिसिटी है। फिर सॉल्ट में निकालना सीखा, सॉल्ट में क्या फॉर्मूला है? इक्विलेंट मास बराबर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमेशा बराबर होते हैं, तो या तो पॉजिटिव चार्ज से डिवाइड दो या नेगेटिव से दो, है ना। तो ये इक्विवेलेंट मास निकालना अपन ने सीख लिया, ओके रहा। अब आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया इक्विवेलेंट मास निकालना भी, ये हटा रहा हूं बेटा। तो देखो जरा, अब आप आओ किस पर, पूरे नए पूरी बात पर। देखो अगर आपको बात समझना, आपको वेट मालूम है सॉल्यूट का, है ना। सॉल्यूट का क्या मालूम है? वेट। सॉल्यूट का वेट मालूम है ना, बस सही। अगर उसमें सॉल्यूट के वेट में आप उसके मॉलिकुलर मास का डिवाइड दो, किसका? मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट या मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट का, तो जो बनेगा उसे बोलते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या बोलते हैं? मोल ऑफ सॉल्यूट। तो अगर आपसे कोई कहे मोल बनाओ, तो मोल का मतलब होता है वेट ओवर मॉलिकुलर वेट। अब अगर कोई आपसे कहे ग्राम इक्विवेलेंट बनाओ, क्या बनाओ? ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको बनाने हैं तो आपको लेना पड़ेगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट यानी ईवी। मॉलिकुलर वेट को भी एम भी लिख लो, ठीक। तो अगर आप वेट में एम बी का डिवाइड लगाओ तो मोल बनते हैं, वेट में ईवी का डिवाइड लगाओ ग्राम इक्विवेलेंट बनते हैं, ठीक है। और अगर आप आगे चलकर मोल में, ये देखो ये आगे टर्म, मोल में वॉल्यूम का डिवाइड लगाओ तो मोलैरिटी बन जाती है। मोल अपॉन वॉल्यूम इज मोलैरिटी। और अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट में, ये आ गया इधर, ग्राम इक्विवेलेंट में अगर आप वॉल्यूम का डिवाइड लगा दो तो ये नॉर्मेलिटी बन जाती है। कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए इतना समझा रहा हूं। यानी कि सॉल्यूट का वेट अपॉन मॉलिकुलर मास मोल, सॉल्यूट का वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास ग्राम इक्विवेलेंट, मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम मोलैरिटी, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम नॉर्मेलिटी, ठीक। अब जो ये ईबी है इसको निकालने की मैंने तीन तरकीब बताई, किस किस में? एसिड में, बेस में और सॉल्ट में। क्या बात समझ पाए? वेट ऑफ सॉल्यूट को किससे लिखते हैं? डब्ल्यू बी से। इसको किससे लिखते हैं? डब्ल्यू बी से। अब जरा एक बार और साफ सुथरा लिख रहे हैं, देखो बात समझना। वीडियो काफी बड़ा होता जा रहा है लेकिन इसको बीच में रोक नहीं सकता हूं मैं, नहीं तो टॉपिक बहुत बुरी तरीके से अटक जाएगा। इसलिए जो भी है जितना ही बड़ा बनना है चलने दो। देखो बेटा दोबारा समझो, देखो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी ये होता है मोल एन बी, ठीक।
एनबी अपॉन वॉल्यूम बीएस इन लीटर, ये होता है मोलैरिटी। डब्ल्यूबी अपॉन ईबी, ये होता है ग्राम इक्विवेलेंट, क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट। और ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम लीटर में, ये होता है नॉर्मेलिटी। अब देखो पूरी बात क्लियर हो गई होगी। डब्ल्यू बी ओवर एम बी मोल, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर मोलैरिटी। डब्ल्यू बी ओवर ईबी ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ओवर वॉल्यूम इन लीटर नॉर्मेलिटी। और जो ईबी होती है इसको एसिड में निकाल सकते हैं, बेस में निकाल सकते हैं और सॉल्ट में निकाल सकते हैं। एसिड में निकालना हो तो ईबी इक्वल टू क्या होता है एमबी अपॉन एसिड के केस में क्या होता है बेसिसिटी। बेस में निकालना हो तो ईबी इक्वल टू एमबी अपॉन एसिडिटी। उल्टा है देखो, एसिड में बेसिसिटी, बेस में एसिडिटी। सॉल्ट में निकालना हो तो ईबी इक्वल टू फॉर्मूला मास एफ डॉट एम। फॉर्मूला मास क्या है एसिड के, सॉरी सॉल्ट के केस में, सॉल्ट के केस में मॉलिकुलर मास को ही फॉर्मूला मास कहते हैं, अकल में बैठा लेना। अगर फॉर्मूला में मास में आप किसका डिवाइड दे रहे हैं, या तो टोटल नेगेटिव चार्ज का या टोटल पॉजिटिव चार्ज का, तो ये बन जाएगा ईबी। तो पूरी बात दोबारा समझ लो, वेट ओवर मॉलिकुलर वेट एनबी मोल, मोल में वॉल्यूम का डिवाइड लगाओ मोलैरिटी। वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट में वॉल्यूम का डिवाइड लगाओ नॉर्मेलिटी। ईवी को निकालने की तीन टेक्निक है, एसिड के केस में इससे, बेस के केस में इससे और सॉल्ट के केस में इससे। ठीक, अब आप रही नॉर्मेलिटी का पूरा फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी का क्या है। मोलैरिटी का पूरा फॉर्मूला है डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड अपॉन एम बी इंटू वी एस इन एम एल। ऐसे नॉर्मेलिटी का पूरा फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड ओवर ईवी इंटू वी एस एम एल। ठीक, इसकी यूनिट क्या है मोलैरिटी की, इसकी यूनिट है मोल अपॉन लीटर। क्या यूनिट है इसकी, मोल अपॉन लीटर। नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, ये इसकी यूनिट है। ये मॉलिकुलर मास है, ये इक्विवेलेंट मास है, ये पूरी बात आ गई। बात समझ में आई या नहीं आई, इस तरीके से आप कर सकते हैं, पले पड़ी है, इस तरीके से ये पूरा चीजें वर्कआउट कर रही हैं। तो ये हो गया मोलैरिटी नॉर्मेलिटी। देखो क्या क्या सिखा दिया, मोल कैसे निकालें, मोलैरिटी कैसे निकालें, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालें, नॉर्मेलिटी कैसे निकालें, ईवी कैसे निकालें, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालें, है ना। ये सारी बातें क्लियर हो गई, उम्मीद है इस वाले बड़े लार्ज वीडियो से आपको सारे टर्म जो कि बहुत सारे थे, मॉलिकुलर मास निकालना, इक्विवेलेंट मास निकालना, मोल निकालना, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना, मोलैरिटी निकालना, नॉर्मेलिटी निकालना, रिपीट, मॉलिकुलर मास निकालना एमबी, इक्विवेलेंट मास निकालना ईबी, मोल निकालना एनबी, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना, ठीक, मोलैरिटी निकालना कैपिटल एम, नॉर्मेलिटी निकालना कैपिटल एन, ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है यहां तक, ओके रहा। अब बात आती है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या संबंध है, किसमें, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या संबंध है, कैपिटल एम और एन में क्या रिलेशन है, ये हटा रहा हूं जरा देख लीजिए। देखिए भाई क्या रिलेशन है इन दोनों में, अगर आप मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखें तो ये दोनों फॉर्मूले को आप एक दूसरे के नीचे रख दो, तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या बोलो, डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड ओवर एम बी इंटू वी एस इन एम एल। नॉर्मेलिटी क्या है, डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड ओवर ई बी इंटू वी एस इन एम एल। ये अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये इक्वल हो गया मोलैरिटी ओवर नॉर्मेलिटी के, सही, कुछ कट रहा हो तो काट दो, देखो ये सब कट रहा है।
ठीक। अब ये ईवी कहां जाएगा, ऊपर। तो मोलैरिटी ओवर नॉर्मेलिटी इक्वल टू ईवी अपॉन एमवी। यहां से क्या हुआ, नॉर्मेलिटी इंटू ईवी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एमवी। ये फॉर्मूला यहां से इस्टेब्लिश हो गया। क्या, नॉर्मेलिटी इंटू ईवी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एमवी। ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन किसमें, नॉर्मेलिटी एंड क्या, मोलैरिटी। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी डिनोटेड बाय एन, मोलैरिटी डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ये इनमें रिलेशन आ गया, एन इंटू ईवी इक्वल टू एम इंटू एमवी। सामने से हटा हुआ हूं, आप नोट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये वीडियो काफी लार्ज हुआ, लेकिन मुझे उम्मीद है इससे आपको मोल निकालना, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना, मोलैरिटी निकालना, नॉर्मेलिटी निकालना, उनमें क्या रिलेशन है ना, एसिड बेस और सॉल्ट के केस में किस तरीके से इक्विवेलेंट मास निकाले, ये सब टॉपिक आपको अल्ट्रा क्लियर हुआ होगा। लेकिन ध्यान रखना, ये वीडियो बहुत बड़ा है, इसे कम से कम दो तीन बार देखना। तीन बार देखोगे तब जाके दिमाग में ये फिट होगा। अगर एक बार ऐसे ही निकाल दोगे तो फिर गच्चा खाओगे। कम से कम तीन बार ये वीडियो देखें, तब आपको सारे कॉन्सेप्ट रट जाएंगे, समझ में आ जाएंगे और दिमाग के खाचे में फिट हो जाएंगे। फिर मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।